नमस्ते। आज के वीडियो में हमारे चैनल पर हम बात करेंगे घुटने के आर्थराइटिस यानी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के एक बहुत ही आधुनिक इलाज के बारे में, जिसमें एक वायर के द्वारा हम पेन को काफ़ी हद तक रिलीव कर सकते हैं और पेशेंट की सर्जरी या तो लंबे समय तक टाल सकते हैं या फिर हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन यानी कि आर्थराइटिस शरीर के किसी भी जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन इन सब में मोस्ट कॉमनली वो घुटने को इन्वॉल्व करता है, इसलिए नी आर्थराइटिस या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। हम सब ने अपनी अपनी फैमिली में वृद्ध अवस्था में काफ़ी ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है, कभी कभी मिडिल एज में भी ये आर्थराइटिस जल्दी पकड़ लेता है, जिसमें इसी आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन के कारण इन पेशेंट्स को बहुत हद तक पेन यानी कि दर्द, सूजन, स्टिफनेस या अकड़न और ऐसे कई सारी परेशानियां होती है, जिसके वजह से वो रेगुलर एक्टिविटीज़ जो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं यंगस्टर्स नहीं कर पाते। इन सिम्टम्स के कारण ये पेशेंट्स कई बार नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी ठीक से नहीं कर पाते, जैसे कि चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ज़मीन पर चौकड़ी मारकर बैठना, कई बार एक जगह बैठकर बहुत देर तक ये खड़े भी नहीं हो पाते या खड़े होकर बहुत दर्द होता है, और एडवांस स्टेजेस में तो थोड़ा सा पैर मोड़ने पर क्रैकलिंग साउंड आने लगते हैं जब हड्डियाँ आपस में टकराती है और बीच का जो लुब्रिकेंट साइनोवियल फ्लूइड है वो सूख जाता है। जब भी लेट मिडिल एज या ओल्ड एज में ये सिम्टम्स सामने आए तो हाई चांसेस है कि ये घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं और आपको तुरंत अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए। ऑर्थोपेडिशियन कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, ऑफकोर्स एक स्टैंडर्ड एक्सरे कराएंगे और हो सकता है कुछ स्टेजेस में और डिटेल्ड जानकारी के लिए MRI भी कराए घुटनों का, और उसके बाद वो आपका इलाज शुरू कर देंगे। अर्ली स्टेजेस में इसका इलाज बहुत सिंपल है, आपको फिजियोथेरेपी करना है, जो क्वाड्राइसेप्स मसल्स है जिनकी कमजोरी है उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है ताकि सारा लोड वो ले ले और जॉइंट पर बहुत ज़्यादा लोड ना आए, जिससे धीरे धीरे जॉइंट रिकवर करना शुरू कर दे या हील होना शुरू हो जाए। ऑफकोर्स इस पूरे जर्नी में अगर वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, तो वेट लॉस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और साथ में एक्यूट फेजेस में जब बहुत पेन या सूजन हो तो हो सकता है ऑर्थोपेडिशियन कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करे, जिससे दर्द भी कम हो जाए और सूजन भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। यदि इन सारे कंजर्वेटिव मेजर्स से पूरी तरह आराम ना आए तो कुछ लोकल इंजेक्शंस दिए जाते हैं ऑर्थोपेडिशियन द्वारा या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट द्वारा, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, हाइलुरोनिक एसिड या फिर कभी कभी स्टेरॉयड इंजेक्शंस, जिससे ये लोकल इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी कम हो जाता है और काफ़ी लंबे समय के लिए आराम आ सकता है। लेकिन अगर यही आर्थराइटिस बहुत एडवांस्ड फॉर्म ले ले, बिल्कुल साइनोवियल फ्लूइड या लुब्रिकेंट खत्म हो जाए जॉइंट में से और हड्डियाँ आपस में टकराने लगे, जॉइंट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर बचे, यहाँ तक कि कार्टिलेज जो जॉइंट का कवरिंग होता है वो भी डिनूड हो जाए या स्क्रेप हो जाए, तो फिर एक ही इलाज बचता है जो कि है नी रिप्लेसमेंट। बहुत सारे केसेस में टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है सर्जरी द्वारा, कुछ केसेस में नी का एक हिस्से को रिप्लेस कर दिया जाता है जिसे यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। सो ऐसे सर्जिकल वेरिएशंस है, आजकल उसके बहुत आधुनिक फॉर्म्स आ गए हैं रोबोटिक तरीके से, डिजिटल तरीके से, जिसमें मिनिमल इन्वेसिव तरीके से ये रिप्लेसमेंट किया जा सकता है बहुत कम साइड इफेक्ट्स के साथ। पर दोस्तों, अर्ली स्टेजेस में फिजियोथेरेपी, मेडिसिन और कुछ लोकल इंजेक्शंस हेल्प करते हैं, बहुत एडवांस स्टेजेस में सर्जरी इज़ वेरी इफेक्टिव एंड अ वेरी गुड ऑप्शन। प्रॉब्लम आती है बीच में, जब पेन माइल्ड टू मॉडरेट है, स्वेलिंग माइल्ड टू मॉडरेट है, डिजीज़ बहुत एडवांस नहीं है अब तक कि सर्जरी ही वॉरंटेड हो, और ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि डेबिलिटेटिंग पेन के साथ ज़िंदगी गुजारना, अपने डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिडिल एज में इट लीड्स टू लॉस ऑफ वर्क टाइम, अपना काम पे ठीक से नहीं कंट्रीब्यूट कर पाता व्यक्ति। वृद्ध अवस्था में भी बहुत सारे पेशेंट्स की इच्छा होती है कि वो अब रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी में बहुत काम करे, दुनिया देखे, लेकिन नी आर्थराइटिस उनको बिल्कुल डेबिलिटेट करके रख देती है, उनको कभी कभी अपने घर के नीचे सीढ़ियाँ उतरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए आज मैं एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आपके सामने एक आधुनिक इलाज लेके आया हूँ, जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन। जापानीज साइंटिस्ट और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को जब ये थियरी पता चली कि ऑफकोर्स ये जो इन्फ्लेमेशन और पेन एजेंट्स है ये घुटने में आ तो रहे ब्लड फ्लो के थ्रू ही, और MRI और बहुत सारी तकनीकों में उन्होंने पाया कि जब भी आर्थराइटिस होता है जिस एरिया में सबसे मैक्सिमम अफेक्शन है उस एरिया में ब्लड फ्लो की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ज़्यादा हद तक वहाँ पहुँच रहे और शायद ज़्यादा कॉज कर रहे हैं ये पेन और ये तकलीफ। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस ब्लड फ्लो को थोड़ा सा स्लो करके देख लें, यदि हम ऐसा कर पाए तो क्या पता पेन और सूजन कम हो जाए। इसलिए ये ट्रायल डिज़ाइन शुरू हुआ जिसमें उन्होंने एक पतली सी तार को एंजियोग्राफी द्वारा उन घुटनों की नसों में लेकर गए जो ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वहाँ तक पहुँचा रही है,
और उनमें कुछ ऐसे एजेंट्स डाले, कभी कुछ थिक लिक्विड्स या एंटीबायोटिक्स डाले, कभी माइक्रोस्पियर्स या थिन पार्टिकल्स डाले जो हम सालों से फाइब्रॉइड्स, प्रोस्टेट इनके इलाज के लिए यूज़ करते आए हैं। ऐसे एजेंट्स डालने के बाद जब ये फ्लो कम हो गया खून की नसों का, तो पाया गया कि पेशेंट्स को बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ मिला। ऑलमोस्ट 70-90% पेशेंट्स मेडिकेशन फ्री हो गए और बहुत सिग्निफिकेंटली उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गया। सेम जापानी साइंटिस्ट के इस सक्सेस के बाद सेम प्रोसीजर जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यानी कि घुटनों की आर्थराइटिस कॉजिंग नसों का खून को थोड़ा कम कर देना कुछ स्पेशल वायर्स थ्रू अंडर एक्सरे विजन, यही तकनीक को यूएसए, चाइना, इंडिया और बहुत सारे सेंटर्स में अप्लाई किया गया, हज़ारों लाखों पेशेंट्स में अब तक, और रिजल्ट्स अब सामने हैं। टेक्निकल सक्सेस रेट्स रेंज करते हैं बिटवीन 86-95%, यानी कि इतने लोगों में ये प्रोसीजर सक्सेसफुली किया जा सकता है एंजियोग्राफी में बिना कोई मेजर रिस्क के। और प्रैक्टिकली जब देखा गया तो 6 महीने से 1 साल तक जब इसके रिजल्ट्स इवेल्यूएट किए तो ऑलमोस्ट 70-80% पेशेंट्स पेन फ्री हो जाते हैं या पेन बहुत हद तक कम हो जाता है, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 50-75%, और ऑलमोस्ट 70% प्लस पेशेंट्स जो पहले स्ट्रिक्ट पेन किलर मेडिकेशन पे थे जिसके बिना वो अपना दिन भी नहीं शुरू कर पाते, इतने सारे पेशेंट्स मेडिकेशन फ्री हो गए इस इलाज के बाद। यही टेक्निक अब इंडिया में बहुत रैम्पेंटली फैल रहा है, बहुत सारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट गुजरात में, महाराष्ट्र में ये सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को इससे काफी आराम आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन रिस्क या साइड इफेक्ट्स के चांसेस बहुत कम है, इसलिए यदि ये प्रोसीजर फेल भी हो जाए तो आपके पास एनीवेज जो आपका नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है वो तो वैसे का वैसा है ही। अगर ये फेल होता है आप नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, लेकिन अगर ये सक्सीड होता है हो सकता है आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े या फिर बहुत सालों तक ये रिप्लेसमेंट टल जाए, क्योंकि आप जितना लेट रिप्लेसमेंट कराते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि हर इम्प्लांट और हर रिप्लेस्ड नी का अपना लाइफ और अपना ड्यूरेबिलिटी होता है। तो यदि आपके परिवार में कोई है जिनको आर्थराइटिस है, उससे बहुत ज़्यादा पेन, सूजन, अकड़न है जिसके वजह से डे टू डे एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही है, तो प्लीज़ अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करें और उनसे जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन इस प्रोसीजर के बारे में जाने। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि आप में से बहुत पेशेंट्स इसका लाभ उठा सकते हैं यदि आप इसको एक्सप्लोर करें और ऑफ कोर्स वैलिड पेशेंट्स में इसका यूज़ किया जाए, बिकॉज प्रोसीजर बहुत सिंपल प्रोसीजर है, डे केयर में किया जाता है, यानी कि 4-6 घंटे के एडमिशन में एक पतली सी सुई से सुन कर एक छोटी सी तार ले जाई जाती है और एम्बोलाइजेशन किया जाता है। इसमें कोई ब्लेड का यूज़ नहीं है, कोई एनेस्थीशिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट डे से अपने जॉब पर जा सकते हैं। इसलिए इतना नॉवल मिनिमली इन्वेजिव ऑल्टरनेटिव डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना है अपने घुटनों के आर्थराइटिस के लिए। यदि आपके परिवार में किसी को ये तकलीफ है और आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, फिजिकल ओपीडी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या टेली कंसल्टेशन पे ऑनलाइन भी हम इस बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें मैं पर्सनलाइज आपकी रिपोर्ट्स देख के आपको काफ़ी हद तक गाइड कर सकता हूँ कि क्या ये थेरेपी आपके पेशेंट में यूज़ की जा सकती है और सक्सेस रेट, कॉम्प्लिकेशन रिस्क का क्या चांसेस होगा। इस थेरेपी पे जितना पीयर रिव्यूड पब्लिश लिटरेचर है वो भी मैं पिन कॉमेंट में दे दूंगा, ताकि अगर आप खुद मेडिकल लिटरेचर देखना चाहते हैं कि कितने पेशेंट्स पे ट्राई किया गया और उसका सक्सेस कैसा है स्टडीज में, आप खुद उसको स्टडी कर सकते हैं। और आखिरकार लास्ट दरख्वास्त होगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले, ताकि आगे आने वाले ऐसे मिनिमली इन्वेसिव अल्टरनेटिव्स कई सारी बीमारियों के लिए आप मिस ना करें और इलेक्टिव डिजीजेस या इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको सोचना ना पड़े ये डिसीजंस लेने के पहले। सो हमारे इस एजुकेशनल अवेयरनेस कैंपेन का यही मोटिव रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जुड़े रहें और बेनिफिट उठाने के लिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।